अबे यार इधर ही कहीं तो रखा था, मिल क्यों नहीं रहा है? अबे यार इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, हम तो एकदम गजनी हो गए। कोई चीज कहाँ रखते हैं हमको याद ही नहीं रहता। घर भी नहीं है। क्या हाल है भाई के? बहुत खराब, बताओ किसने फोन किया? अरे वो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखा क्या? नहीं देखा भाई, बता तो बात क्या है। अभी 26 से फाइनल एग्जाम्स और टाइम टेबल आ गया। क्या मिल गया टाइम टेबल? अभी नहीं भी चश्मा मिल गया। अरे यार कभी चश्मा नहीं मिल रहा, कभी पेन नहीं मिला, कभी बुक ही नहीं मिल रहा। मम्मी आपने मेरी मैथ की बुक देखी है क्या? हाँ मैथ की बुक ना, उसको तो आज मैं नाश्ते में बना दी। क्या? अरे बदतमीज, तुम्हारी मैथ की बुक मैं क्या जानूंगी? हाँ तो ही बात, आप सीधे सीधे भी तो बोल सकती थी ना। पापा जी आपने मेरी मैथ की बुक देखी है क्या? हाँ बेटा तुम्हारे मैथ की बुक में मैं तो झाल मुड़ी बना के खा गया ना। हैं? अरे बदतमीज, तुम्हारी मैथ की बुक मम्मी और पापा जानेंगे और तुम बस खेलने और घूमने से मतलब रखना। अच्छा जी, ये रहा इनका टाइम टेबल, इनका 2 दिन बाद से एग्जाम है और इनको अपने बुक का ही नहीं पता। क्या जी? अरे वो एकदम से आ गया ना। हाँ सही कह रहा है बेटा, पहले टाइम टेबल का टीजर आना चाहिए था, फिर ट्रेलर आना चाहिए था और फाइनली टाइम टेबल को सिनेमा हॉल में रिलीज करना चाहिए था। नहीं मतलब एक बार तो हिंट दे देना चाहिए था कि हाँ तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। अच्छा चलो वो हिंट नहीं दिया, लेकिन मैं एक हिंट जरूर दे रहा हूँ, अगर आधे घंटे के अंदर अपनी मैथ की बुक खोज के पढ़ने नहीं बैठे, इतना चप्पल मारूंगा, इतना चप्पल मारूंगा सोचे भी नहीं होगे। हाँ मैं बस बुक खोज नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ने भी जा रहा हूँ। बुक महाराज थोड़ी सी हेल्प कर दो। मैं नहीं करूंगा, जाके फोन चला, स्नैपर बना, दोस्तों की स्टोरी लगा, क्योंकि उसी में से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, मैं तो सो पीस के लिए बना हूँ। भाई मेरे तू हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। तू शांत है और मुझसे दूर है, पूरी साल भर तूने मुझे पढ़ने नहीं दिया। ए लो ये भी मेरी गलती है। हाँ तो और क्या, तू ही ना हर बात में मुझे नोटिफिकेशन भेजता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है लड़ो मत, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ नियम और शर्तें हैं। मुझे आपके सारे नियम और शर्तें स्वीकार हैं। सुन तो ले, पहले आज से और अभी से तू इस फोन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा और तेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरे ऊपर रहेगा, यानी बुक्स पे रहेगा। अरे डन है, मैं फोन को ऐसे इग्नोर करूंगा जैसे पॉलिटिशियन अपने किए हुए वादे को इग्नोर करते हैं। गुड, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम नोट कर। हाँ नेहा सेंड यू अ मैसेज। नहीं बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। बस एक मिनट फोन चलाऊंगा पक्का। मुझे अच्छे से पता था तू सुधर ही नहीं सकता। अरे तू बुक को इग्नोर कर, यूट्यूब से तुझे सब पढ़ा देगा मैं। अरे वो सब छोड़, ये पता नेहा का मैसेज क्या था? बाजू में आ थोड़ा। हाँ चल मार। हाँ जा 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 बेशरम बेहयात। A few inches later. 5 मिनट के नाम में 5 घंटा फोन चलाया, फिर से पूरा अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अरे क्या पढ़ना है कुछ पता ही नहीं है मुझको, और मेरे पास तो नोट्स भी नहीं है। दोस्त किस दिन काम आएंगे? क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई, बता किस लिए फोन किया है? मैं बस काम के लिए फोन कर सकता हूँ क्या? और बताओ घर पे सब ठीक है? ऑल गुड भाई, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है तू बिना ऐसे काम के फोन कर ही नहीं सकता मुझे। बेटा इंसान जैसा होता है ना उसको दुनिया भी वैसी ही दिखती है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम रेगुलर स्कूल जाते थे ना भाई? हाँ हाँ रेगुलर जाता था। तो केमिस्ट्री वाले सर भी तो रेगुलर स्कूल आते थे ना? अरे मत पूछ, वो तो संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लेते थे ना। हाँ और शायद वो तो पढ़ाते भी अच्छा थे। एक नंबर भाई। और वो तो नोट्स भी तो बनवाते थे। हाँ और क्या, तो वो नोट्स मिल जाएगा क्या? हाँ वो। ए बेटा जी आगे ना लाइन पे, मुझे पता तू ऐसे बिना मतलब फोन कर ही नहीं सकता। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रेगुलर स्कूल जाता था ना, लेकिन मैं क्लास डेली अटेंड करता था केमिस्ट्री का, ये कब कहा मैंने। अबे रख फोन, कहाँ से करूँ जुगाड़? YouTube। हेलो YouTube, मुझे ना एक अच्छा सा वन शॉट वीडियो दिखा दो केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए। अरे यार सौरभ जोशी के ब्लॉग में पीयूष की साइकिल चोरी हो गई, थार पंक्चर हो गई और सौरभ जोशी का तो नया गाना भी आ रहा है, आज ये सब नहीं देखोगे क्या तुम? नहीं नहीं अब से मैं ना ये सब नहीं देखूंगा, अब मेरे एग्जाम के डेट्स पास हैं, तो अब मैं ना पूरा कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पे लगाऊंगा और अब मैं यूट्यूब को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं नॉलेज के लिए देखूंगा बस। पढ़ाई और तुम? सही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब दिखाओ जल्दी से, डू नॉट वेस्ट माई टाइम। वन थिंग, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक ऐड तो बनता है। हाँ ये तो कंपलसरी है, दिखाओ। एक और ऐड दिखा दूं? जी दिखा लीजिए, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ वैसे अभी एक पंजाबी सॉन्ग आया है 3 मिनट का, कहो तो लगा देता हूँ, मूड फ्रेश हो जाएगा। 3 मिनट का ही है तो ठीक है चला दो, मैं कौन से 3 मिनट में पढ़ के डीएम बन जाऊंगा। नाइस, वैसे अभी ना क्रिस 4 का ट्रेलर भी आया था, मतलब मैं ऐसा देखने के नहीं कह रहा हूँ, चॉइस इज योर्स, आप खुद डिसाइड कर लो। क्रिस 4 का ट्रेलर आ गया, अरे जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। अच्छा एक लास्ट, अभी ना अरुण जगवंशी की एक लॉन्ग वीडियो आई है कहो तो। ऐसा करो ना सब लगा दो, अभी 2 दिन बाकी एग्जाम से ना, कल से मैं पक्का पढ़ूंगा, मुझे अच्छे से पता था ये सुधर ही नहीं सकता। अरे अरे कहाँ चल रही है, रुको पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और हाँ अभी इस वीडियो में आपने एग्जाम प्रिपरेशन वाला सीन देखा, लेकिन अभी एग्जाम होगा और उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन वो कब आएगा जब इस वीडियो में मुझे भर भर के सपोर्ट आएगा। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, इस वीडियो पे एटलीस्ट 100K व्यूज कर दो, ताकि मैं अगला पार्ट अगले संडे को ही ला दूं। और हाँ अगर मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, @अरुणजगवंशी सर्च करो, फॉलो करो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो फॉलो करो। बस बाय बाय, लव यू।